ने बोला कि अरे यहाँ पे आज के लिए तो दे दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुई हूँ आज तक डेढ़ साल में ब्लॉग बनाते हुए कोई, बट बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। आपको पता ही है, मैंने बताया था कि यू नो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेरी शादी से रिलेटेड। तो मैंने बहुत पूछा और प्रिंस मतलब जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनको भी मैंने बोला। वैसे वो सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं होंगे, मम्मी पापा भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि ये सब क्या है। मैंने मम्मी से भी बहुत पूछा, तो मैंने प्रिंस से भी अभी थोड़ी देर पहले पूछा आते टाइम मंदिर पे, मुझे पीपल के जड़ पे चढ़ाना कि मतलब मैं अपनी ऑडियंस में नॉर्मल में व्लॉगिंग करके मैं इतना तो मतलब बता सकती। तो उन्होंने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो खैर पता भी नहीं है। तो मैंने सोचा जितना मुझसे होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी, और प्रिंस से ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, उनकी मम्मी पापा से थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, बट थोड़ा डर रहेगा इंट्रोड्यूस कैसे करवाऊँ क्योंकि उनको ये सब पता नहीं है, ऐसा मतलब पता नहीं। बट वो लोग अभी आने वाले हैं घर पे और हम लोग थोड़ा सा जो भी मम्मी ने बोला तुम लोग जाके ले आओ, मेरा भाई भी लेके आने वाला था, आरुष मेरे साथ आया हुआ है, तो सब लोग और भी वो सामान लेके आ रहे हैं सब नाश्ता वगैरह, और वो घर पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी बता दूंगी। चलो पहले मंदिर। तो फाइनली गाइस अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुस्कान दी घर पे चली गई पूजा करके। आंटी का फोन आ गया तुम आओ जल्दी काम में, तो मैं यहाँ पे भी नाश्ता लेने आ गया हूँ। क्या नाश्ता लूँ समझ नहीं आ रहा है, वो सब कुछ ले लिया मैं धीरे धीरे। भाई सब फ्रेश है ना, रिश्ते वाले आने वाले हैं, मैंने सब सारे सामान ले लिए, अब घर चलते देखते क्या होता। मेरा फ्रेंड भी आ गया मेरे साथ, तो मेरे साथ कोई आ गया तो अच्छा रहेगा, मेरे साथ सपोर्ट करेगा मेरा वो। चलो तो ये सूट मैंने जब हम मंदिर जाने वाले हम लोग 1 तारीख को, मैंने तब के लिए ये सूट सिलवाया था और तो नया ही अच्छा ही लग रहा है। एक मिनट, ये सूट अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, नहीं मतलब मम्मी बोले अच्छा लग रहा है, मम्मी बोला मैं तो फॉर्मल कर रही था, फास्ट फास्ट बोल रही हूँ। और यहाँ पर क्यों लेके आया, किचन में रख दे, मैं बता रहा हूँ मैं जो मन लेके आ गया। हम मम्मी को दिखा दे भाई, यार चांद कहाँ से निकला है, ये बहुत सडन था। और यस जो अंकल आंटी है प्रिंस के मम्मी पापा वो लोग एक बार आ चुके थे, मतलब जिन्होंने बीच में जो रिश्ता लगाए थे ना वो आए थे साथ में, और मम्मी पापा आए थे प्रिंस के। प्रिंस कभी नहीं आया था, हम 2 महीने से हमारी उस फोन पे बात होती है और पहली बार प्रिंस और मैं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मेरी बहन मेरे पास आई है, सो प्राउड ऑफ यू, मेरी बहन शादी कर रही है। तू कितना स्मार्ट लग रहा है देखो, मेरे पास बहुत पैसे, मेहंदी तो ऐसी रहती है। कुछ नहीं बोला मैं, सुबह में लेट सो है ना इसलिए शांत हो फोन आ गया। अच्छा अच्छा मैं भेजती हूँ, बच्चे को मैं पार्किंग में भेजती हूँ। तो गाइस चल, कौन है आरुष, तेरा नीचे जा रहा हूँ मैं, साथ में तू मैं जा रहा हूँ। कितना P2P1 पे किस पे खुला है, किस पे जाना है, ब्लॉग लूंगा चले जाना, कोई बोलेंगे तो नहीं होगा। ब्लॉग ब्लॉग तो ये लोग तो आने ही वाले हैं, बस आरुष गया उनको नीचे लेने के लिए, मम्मी और मुस्कान सारा प्रिपरेशन करे। क्या मम्मी छोटी क्या छोटी प्लेट निकाल लेते हैं। तो गाइस हम लोग P2 पे आ चुके हैं, अब देखते हैं तुम लोग कहाँ सामान जाओ 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 जाता हूँ ठीक है, फटाफट आना तुम। तो हम लोग अरे हाय तू हाँ आना फोन पकड़ो। नमस्ते, बढ़िया हाँ बढ़िया ना। अरुष क्या चल रहा है, बैठो बैठो अंकल, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग ले रहा हूँ। अरे लेके आओ तो आ गए वो लोग, 2 मिनट क्या दीदी अच्छा लग रहा है, आंटी बुलाएंगी ना। चलो वैसे क्या जा सकती है, पहले सारा सामान तो रख निकाले।
तो गाइस मैं प्रिंस भाई को बोल दिया मैं छोटा व्लॉग ही कुछ बोले स्माइल कर रहा हूं। तो फिर अब जाता हूं हॉल में, देखता हूं क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। ये मॉडर्न दीदी तुम फर्स्ट टाइम देख रही हो ना, ये बट फर्स्ट टाइम मिल रही हो तुम देखी नहीं जब आया था। आ जाओ आ जाओ। नहीं तो व्लॉग ले रहा हूँ। हम लोग एक्चुअली ना यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बता दे रहे हैं, नॉर्मली मतलब मेरी लाइफ का कुछ भी होता है तो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं बाद में समझा दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा पूरा। पहले मुझे तो बच्चों की पसंद होनी चाहिए, बच्चों की खुशी में क्या बोल रहे हैं। मुझे पसंद है तभी दो महीने से बात कर रहे हैं। बात करने में और रिश्ते बनने में तो आप सेटिस्फाइड हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, फिर आगे की बात की जाए। ये छोटा वाला बेटा, ये मेरे से बड़ा भाई, ये लास्ट टाइम आप मिले थे रोज पूछे हैं। अरे ओ अच्छा, हां तो गाइस प्रिंस के मम्मी पापा ने बोला कि मुस्कान और प्रिंस को अकेले में बात करनी चाहिए, तो मुस्कान बोलते कि तुम लोग भी मेरे साथ आओ। सो उसको सब चाहिए, हर जगह तो हम साथ में जाते हैं, यहाँ पे भी वो बोल रही है मुझे लगता है शादी में भी हम लोग को साथ में लेके जाएगी। यार उसको तो पहले ही लेके जाएगी दहेज में, लोग इतने डाउन टू अर्थ। हाँ पता चला शादी के बाद तुम सोचे यही शिफ्ट हो जाए तो गाइस देखो ये हमारा घर हड़पना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ इसको तो हड़प लिया, अब घर भी मिल जाए और ये चाहिए। और वो कहते हैं ना शादी आधी घर वाली, यहाँ तो साला भी फ्री है, साला तो पूरा उसको भी आगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा। ये तो मुझे बोलता था दीदी नहीं नहीं सॉरी मैं इसको तेरे को लेके जाने नहीं दूंगी, मन माने नहीं कोई जगह मेरे साथ कोई जरूरत नहीं यार उसको कहीं नहीं जाना। मैंने प्रिंस को बोला था मतलब फोन पे हमारी बात, मतलब प्लीज मेरे साथ वीडियो बनाना। तो ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो अपना काम करते, बट प्लीज आप बोला एटलीस्ट एक वीडियो दो मेरे साथ बनाना प्लीज। वो चाय के लिए बोल रहे थे, वो भी तुम्हारे आपकी बोल रहे सुनो। तो गाइज यहाँ पे चल रही है हमारी शॉर्ट फिल्म मुस्कान दी का जो कोरोना वाला, सब देख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे यहाँ पे ओ चाय बन रही है, मेरी बहन का हाथ ऐसे हमेशा बटाना। अरे साले साहब तो आज के लिए तो दे दो, अरे महीने बाद मिल रहा हूँ। कोई नहीं चलो, मैं दीदी हमें पूरा बाहर खौफ देख रहे हैं। मुस्कान दी आप बहुत क्यूट लग रही है, कहाँ गए अंकल जी वॉशरूम है, भाई चाय ले लो। और अंजू दीदी आ गए, अंजू दी कैसे लगे हमारे जीजू। अभी मैंने चाय बना के दी और जितनी सारी बातें मम्मी ने भी बहुत सारी बातें की इधर उधर की, पर सारी बातें मैं व्लॉग में नहीं ले पाई और जितना हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि हमारी फरियाद शॉर्ट फिल्म बैठ के सबको दिखाती हूँ। काम आपको बोला था ना मेरे को आज गांव जाने का है, तो थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो। प्रिंस भाई के मम्मी पापा है वो लोग गए हैं, जो राजेश जी हैं उनके घर पे आंटी के साथ, और अब यहाँ पे हम करेंगे गपशप। नहीं दीदी हर चीज का वीडियो लूंगा क्या, नहीं नहीं वीडियो नहीं। चल रही थी 2 महीने। भाई एक घर में दो रिश्ता नहीं आ सकता, एक घर में दो रिश्ते नहीं, कैंसल जमती नहीं है, जमती नहीं है। अरे आप मत सोचो ही मत, एक ही दो ही घर में दो जाते तो नहीं निपटा, तो बहन ही मेरी नहीं जाते। और यार ऑब्वियसली तुमको पता है हम लोग वैसे तो अच्छे दोस्त हैं, हम लोग सिर्फ वीडियोस बनाते कपल वीडियोस, वैसे कुछ भी नहीं है मतलब।
मुझे अच्छा लगता है वीडियो बना, बस एंटरटेनमेंट। वीडियो बना फिर तुरंत दूर। हाँ आप कभी हम लोग का बीटीएस देखो, जैसे वीडियो बना तो क्लोज वाला वीडियो, हाँ कैसा बना ऐसे होता है, तुमको बताया वो मैं समझता हूँ, बट घर वाले और लोग बिजनेस। नहीं नहीं मैं समझ गई, तो तुम बनाओगे मेरे साथ वीडियो, मुझे बताओ। चलो तुम्हारे लिए बलिदान भी देखूंगा, क्या कहता भाई। अरे वीडियो तुम लोग बना देना, शूट मैं कर दूंगा। चल भाई मेरे पेट पे क्यों लाता है, कुछ तो मिले मुझे भाई, लड़की भी नहीं मिली, शूट तो मेरा काम क्यों लेके जा रहे हो। अरे एक बात बोलूं, आपके पेट पे भी लात मार भी नहीं सकता वैसे। अरे भाई ये कमजोरी का क्या बात है, वो मस्ती कर रहे हैं। कमल जी, सत्तू, अयान, सत्तू जी, सासू माँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, निकलो हमारे घर से, निकलो। आपके बेटे को समझा लो, मुझे नहीं करनी है। आपको नाम नहीं मालूम इनका भाई, आपका नाम क्या था? तो गाइस मुस्कान जी बोलो, एक नाम बता मुस्कान, बाकी सिमरन। ओके मैं बता दी, तो गाइस ये अप्रैल फूल बताया मैंने सबको, हम सबके साथ मिलके, और मैं ये चाहती, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको मैंने अप्रैल फूल बनाया कि कमेंट सेक्शन में कोई भी ये नहीं लिखेगा कि अप्रैल फूल था। मैं चाहती हूँ जितना आपने यहाँ तक देख के मजा किया है उतना, मम्मी आओ ना, जितना आपने यहाँ तक देख के मजा किया है सब लोग को देखेगा कमेंट में, अगर आपने डाला मेरी टीम को मजबूर है ना, आपको कमेंट डिलीट करना पड़ेगा, बट अच्छे अच्छे कमेंट देखना ताकि लोग वीडियो देखें, क्योंकि लोग पहले कमेंट देखते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं, तो प्रैंक और अप्रैल फूल कोई नहीं लिखेगा। तुमने फर्स्ट टाइम ऐसा किया गाइस, कैसा लगा जल्दी कमेंट में बताओ, और कमेंट में लिखना कि आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, ये वो सब लिख देना। अरे लड़के ने ऐसे बात क्यों किया, लड़की ने ऐसा, लड़का तो बहुत रूड निकला ऐसा। तो ये संजीव जी है, ये भी एक्टर है, ये मोना जी है, ये एक्टर है जिन्होंने मेरी मम्मी का रोल, मेरे सास ससुर, और ये प्रिंस है, ये भी एक्टर है, और मैं भी एक्टर हूँ, मैंने इसके सिस्टर का रोल किया है, और हम पहले मिल चुके हैं एक बार कल, हम पहले, और यस मैं आपको भी दिखाऊंगी, हम सब पहले ऑलरेडी मिल चुके हैं, पूरा हमने प्लानिंग किया था, हमने एक हफ्ते से प्लानिंग करे पूरा सब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई लव यू, और आरुष कैमरा के पीछे, ये दिमाग था ये व्लॉग बनाने का पहले से ही।